दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। और आज के वीडियो में मैं केवल नहीं हूं, मेरे साथ एक प्यारी सी बच्ची भी है जिसका नाम है शानवी। तो शानवी, आज क्या करने वाली हो वीडियो में? आपको मेकअप करने वाली हूं। ओके, तो फर्स्ट टाइम मैं किसी बच्ची से अपना मेकअप करवाने वाली हूं, और विदाउट मेकअप मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और आप क्या यूज करने वाले हो प्रोडक्ट्स वगैरह? तो इनका भैया मेकअप किट आ गई है। ये सारे प्रोडक्ट मेरे फेस पर कैनवास की तरह ये रंग भरेंगी, पेंटिंग करेंगी। और कैसे पेंटिंग होती है, आई थिंक मेकअप भी एक आर्ट है, ठीक है? तो कैसे पेंटिंग होती है मेरे फेस पर, वो आप देखने वाले हैं। एंड आपको बता दूँ, ये प्यारी सी बच्ची मेरी छोटी सी ननद रानी है, तो ये अपने भाभी को आज सजाने वाली है। तो चलिए, टाइम को ना ख़राब करके ना फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। तेरी उम्र कितनी है? 9 ईयर। रियली? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सीरम। ओके, तो मैं बालों को पूरा बांध लेती हूँ पीछे। तो सैंडविच स्टार्ट करो। ओके, तो डन हो गया है हमारा फेस सीरम। इसके बाद क्या लगाने वाले हैं? मॉइस्चराइजर। ओके, तो हम यूज करने वाले हैं पाउंड्स का मॉइस्चराइजर। तो चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। ओके, वाओ, कितने सॉफ्ट हाथ हैं मेरे। बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ओके, मॉइस्चराइजर हमारा डन हो गया है। इसके बाद क्या लगाएंगे? आपको बता दूं, यहाँ कोई मिरर नहीं है, मैं कैमरे में देख रही हूँ कि क्या कर रही है शानवी। इसके बाद क्या लगाने वाले हैं हम? प्राइमर। वाओ, इनको पूरा क्रम याद है कि क्या लगाना है। पहले हमने सीरम डन किया अपना, ठीक है, स्किन केयर में मॉइस्चराइजर डन किया, अब ये स्किन केयर में प्राइमर यूज़ करने वाले हैं। मैं ऐसा करती हूँ, आराम से लेट जाती हूँ। ओके, यहाँ पे भी लगाना होता है बेटा, ठीक है, मेकअप में। तो प्राइमर हमने यूज़ किया, किसका किया है प्राइमर? शुगर का। ओके, तो प्राइमर हमने यूज़ किया शुगर का। तो दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आज के वीडियो में, इन सारे प्रोडक्ट की बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, मेरी ब्राइडल किट के हैं सारे मेकअप प्रोडक्ट, तो सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। तो अब हम लोग डन करने वाले हैं, क्या डन करने वाले हैं? फाउंडेशन। ओके, तो फाउंडेशन यूज करने वाले हैं। ओके, वाओ, कितना आराम आराम से लगा रही है अनवी, नक्कू पे तो लगा दे। ओके 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 ओके, शानवी तुम इधर आ जाओ। ओके, तो हम लोग ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर ली है। ओके, इतने प्यार से मेकअप कर रही है ना, मुझे यकीन हो रहा है कि आज का जो मेकअप होने वाला है बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो पहले मैं बोल लूँ या लगवा लूँ? कोई नहीं, तुम कर लगाओ। तो जो मेकअप होने वाला है बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शानवी ने मेरा मेकअप कैसे किया है। बड़ा मज़ा आ रही है। मैं शानवी की बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली, जैसे भी करेगी ओके ही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्या यूज करने वाले हैं? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट दिखा दो जरा भाई साहब को। ओके, मेरे को गाने का मन हो रहा है, धीमे 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 धीमे। ओके, इसके बाद क्या लगाने वाले हैं हम लोग? आई शेडो। ओके, तो यहाँ पर है दो आई शेडो, एक शुगर की, एक मैबलिन की न्यूड्स है। तो कौन सी यूज करेंगे आप, देख लो ड्रेस के हिसाब से, देख लो क्या यूज कर सकते हो। मैबलिन की। ओके, मैबलिन की यूज करेंगे। पूरा टिटम्मा खोला जा रहा है यहाँ पर, झाड़ू पोछा निकाल लिया गया है भाभी को रंगने के लिए, ये देखिए। ओके, तो सारी ब्रश टूल किट आ गई है,
तो आप कौन सा ब्रश यूज़ करोगे इसमें, देख लो अपने अनुसार। या फर्स्ट टाइम मैं किसी बच्चे से मेकअप करवानी हूँ सच्ची, पर मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट मेकअप हो रहा है मेरा। शानवी यार तू भी तैयार करने आ जाया करो मुझे। ओके वैसे इसमें ब्रश था। ओके कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा ब्रश भी ले सकते हो। शानवी तुम्हें भावे का मेकअप का सामान यूज करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच्ची अच्छा लग रहा है? हाँ। पक्का मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके वाह, पहले क्रीज लाइन बनाई गई है, अब पिच पे काम किया जाएगा थोड़ी देर में। आई डोंट नो कौन से कलर यूज किए जा रहे हैं, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे एक लग रहा है कि मैं एक आग से कानी हो गई हूँ। कि एक आग बंद करवा दी ना तुमने, मुझे जिज्ञासा बहुत हो रही है देखने की। काश मैं कोई मिरर लेके बैठती, बट कोई नहीं बाद में ही देखूंगी। वाह इतने प्यार से ये ब्रश चला रही है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि, ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत बार आई शेडो लगाया है। हैं शानवी आई शेडो लगाती है? हाँ। वाह दूसरी आँख लो भैया, दूसरी आँख भी ले लो, इस वक्त तुम्हारी ही आँख है। हो गया? हो गया? ओके डन। ओके अब क्या लगाएंगे? आईलाइनर। ओके इसके बाद आईलाइनर लगेगा, दिखा दीजिए आईलाइनर। ओके वाह यार शानवी लग ही नहीं रहा है, तेरी उम्र कितनी है? 9 इयर्स ओनली। यार उस वक्त तो हमको ना सीधी लाइन बनानी नहीं आती थी, हमको तो याद है। तुम इतना अच्छा आईलाइनर लगा रही हो। वाह काफी बोल्ड आईलाइनर लगा हुआ है, मेरी आंखें काफी बड़ी बड़ी दिखने लगी, बिल्कुल डिफरेंट सी। ओके आईलाइनर डन हो गया, उसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं? ब्लश। ओके आईलाइनर के बाद सीधे ब्लश पर। ओके एक्स्ट्रा स्मेल करनी पड़ेगी ना, ज्यादा लग गया। अरे कोई नहीं बेटा तू लगा थोड़ा सा। कोई नहीं इसके ऊपर फेस पाउडर लगा देना, कुछ रुको लाओ फेस पाउडर पहले लाओ। बदरिया लग रही हूँ, एक गाल में थप्पड़ पड़ा है तेरा भैया का, ऐसा लग रहा है कि एक गाल में इनके भैया ने थप्पड़ मारा है मुझे। कोई नहीं फिर भी ओके आप ठीक है? हाँ। राइट अब दूसरे थप्पड़ गाल पे थप्पड़ मरवाएगी। इसके बाद क्या लगाने वाला है? ब्लश के बाद क्या लगाने वाला है? आई मेकअप पे कुछ करने वाला है? मस्कारा तो मस्कारा भी मेरा डन हो गया। यार सच्ची बता रही हूँ यार, जल्दी तैयार करो मुझे खुद को देखना है, मैं वाकई में बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाइलाइटर अब झाड़ू लगने वाली है ना, वैसे मजा आ रही होगी ना तुमको इतना सारा सामान यूज करने में है? वैसे मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि इसको पता है कि हाइलाइटर कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यार सच में इसकी जो नॉलेज है मेकअप की वो काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छी है। मुझे लग रहा है कि यार जब तुम 18 प्लस हो जाओगी, जब मेकअप यूज करने की उम्र हो जाएगी, तब तक तुम्हें तो बहुत कुछ आने लगेगा। है ओके अब लिपस्टिक डन करने वाले हैं, कुछ टैटल से लगाओ। ओके ये मैच कर रही है ड्रेस से, करिए मेकअप से मैच नहीं कर रही। ओके आई मेकअप से मैच नहीं कर रही, तो आई मेकअप से क्या मैच कर रहा है? रेड। ओके पर लिप लाइनर ओके डन डन मेकअप या कुछ बाकी है अभी भी? काजल बाकी है। ओके तो काजल मुझे खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना काजल के मुझे मेकअप बाकी रहता है एंड मेरी बिंदी बाकी है। तो मेरा मेकअप जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है, आप देख सकते हैं। वाओ सच्ची बता रहा हूँ, वाओ ही मन से निकल रहा है, क्योंकि
सच में मैं जब इस एज में थी, केवल ये 9 साल की है, ठीक है, 9 साल की बच्ची है, इस एज में थी तो मुझे लग रहा था मुझे मार पड़ रही थी कि सीधी लाइन तो बना ले बच्ची। और इसने कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट आईलाइनर लगाया है, सच्ची बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे आईलाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए मैं स्केच आईलाइनर का यूज करती हूँ। आज भी वो लिक्विड आईलाइनर यूज करने से डरती हूँ। और इसने कितना बढ़िया, कितना प्यारा मेरा मेकअप किया है, ठीक है, इस एज में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आप भी बताओ ना कमेंट करके कि शानवी शानवी बेटा इधर आ जाओ, पता तो चलना चाहिए मेरा मेकअप आर्टिस्ट कौन है, तो शानवी ने कैसा मेकअप किया है आप भी बताओ ना कमेंट में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके कमेंट करो। एंड इतना प्यारा मेकअप किया है भाभी का, तो इसको एक गिफ्ट तो देना बनता है, तो मैं शानवी को गिफ्ट देना चाहती हूँ। कैसा है गिफ्ट? बहुत अच्छा है, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू तो मुझे करना चाहिए। सबसे मुझे लग रहा है ना शानवी कि अब जब कोई पार्टी वगैरह होगी ना, पूजा पाठ होगी ना, मैं तेरे को ही बुला लिया करूँगी कि आगे मेरा जो मेकअप है उसे डन कर दे। तो थैंक यू सो मच सो मच सो मच शानवी। तो आई होप ये जो आज का जो वीडियो है ना, मुझे बना के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह का कोई वीडियो क्रिएट नहीं किया था, पहला वीडियो मेरा है। सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शानवी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मेकअप करके। अच्छा एंजॉय किया? हाँ। क्या मजा आया आज के वीडियो में तुम्हें? मतलब मैंने आज तक किसी और का मेकअप नहीं किया, इसलिए मुझे आपका मेकअप करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और मेरा मेकअप प्रोडक्ट यूज करके कैसा लगा? क्योंकि बच्चों को ना मेकअप प्रोडक्ट दिए नहीं जाते हैं, मम्मी तो बहुत डांटती है, तो मैंने अपना जो प्रोडक्ट मैंने यूज तक नहीं किया है, पहली बार मैंने इसके हाथ में दिया, तो तुझे कैसा लग रहा है मेरा प्रोडक्ट यूज करके सारा? तो मुझे ना ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत पसंद है। मजा आई? हाँ मजा आई। आपको मजा आई तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों आई होप ये जो आज का वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक करो, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड आप पहली बार चैनल पर आए तो नीचे जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय तो कर दो बाय फिर मिलते हैं, बाय बाय।